हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोहर कुमार स्टडी। तो दोस्तों, आज का वीडियो ऐसे बच्चों के लिए है जिनसे भाग बिल्कुल नहीं बनता, या बनाना चाहते भी तो उनसे बन नहीं पाता या समझ में नहीं आता है। तो ऐसे बच्चों इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसान तरीका से भाग बनाना सीखेंगे, और इसी वीडियो में आप आसानी से सीख जाइएगा कि भाग कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप जरूर देखिए, चलिए सीखते हैं। देखिए, यहाँ पर तीन सवाल लिए हैं। पहला सवाल है आपका 486 भागा दो, जो सवाल दूसरा है वह 642 भागा तीन, और तीसरा है 6656 भागा 12। पहला जो दो सवाल लिए हैं बहुत ही हल्का सवाल लिए हैं, क्योंकि इसी सवाल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसी सवाल से आप बनाना सीख जाइएगा। और जो तीसरा सवाल है थोड़ा सा भारी लिए हैं। तो चलिए भाग बनाते हैं। भाग बनाने से पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं कि बनता कैसे है। देखिए, ये आपका सवाल दिया हुआ है ना 486 भागा दो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 486 बटा दो। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्म में आपको कहीं भी मिले 486 भागा दो, या कुछ भी आपका संख्या हो अब बटा में हो, तो वो आपका भाग ही कहलाता है, उसमें आपको भाग ही करना होता है। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 486 भागा दो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी फॉर्म में बनाना सीखेंगे भाग। तो देखिए, यहाँ पर दो से 486 में आपको दो से भाग देना है, तो इसके लिए हम दो को पहले पहाड़ लिख लेते हैं। देखिए, अब देखिए, कोई भी संख्या में आप जो भाग दे रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं, उसका पहाड़ा आपको याद करना जरूरी होता है, क्योंकि आप पहाड़ा से ही भाग बनाते हैं। तो हम दो से भाग दे रहे हैं, इसलिए दो को पहाड़ा हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अब समझिए कि भाग कैसे बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर 486 संख्या है ना, तो हम पहले एक संख्या में भाग लगाएंगे, किससे, दो से। अगर एक संख्या में भाग ना लगे तब दो संख्या में लगाएंगे भाग, अगर दो में ना लगे तब तीन में लगाएंगे भाग, लेकिन पहले हमको एक ही संख्या में भाग लगाना है। ठीक है, अब देखिए, हमको दो से लगाना है भाग, तो दो का पहाड़ा इतना मरतबे पढ़ेंगे कि तो चार आ जाए, अगर चार ना आए तो चार से थोड़ा सा कम कोई संख्या हमको आ जाए। ठीक है, तो दो का पहाड़ा पढ़िए, तो यहाँ पढ़ते हैं दो एक कम दो, दो दूना चार। अगर दो मरतबे हम दो का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो चार आ जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे दो दूना चार, तो चार लिखिए यहाँ पर। इसके बाद हम घटाएंगे, ऊपर वाले संख्या में से नीचे वाले संख्या को घटाएंगे, तो अगर घटाते हैं चार में से चार तो कितना आएगा, जीरो आएगा, इसलिए इसको हम यहाँ काट देते हैं। इसके बाद जो बगल वाला संख्या जो होगा उसको हम यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे कितना है, आठ है, तो फिर यहाँ पर आप आठ लिख दीजिए। अब फिर दो का पहाड़ा इतना मरतबे पढ़िए कि आठ आ जाए, अगर आठ ना आए तो थोड़ा सा इससे कोई कम संख्या हमको आना चाहिए। तो दो का पहाड़ा पढ़िए, दो एकम दो, दो दूना चार, दो तिया छः, दो चौका आठ, चार मरतबे हमको आठ आ जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे चार और यहाँ पर लिखेंगे आठ। जितना मरतबे पहाड़ा आ रहा है, जितना मरतबे आ रहा है मतलब कि उसको यहाँ पर लिखना है, और जितना मरतबे आ रहा है आपका रिजल्ट जो आ रहा है उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, फिर से इसको हम आठ में से आठ घटाएंगे, तो घटाइए कितना होगा, यहाँ पर भी जीरो आएगा, तो यहाँ पर कट ऑफ फिर से कर देंगे हम। फिर जो बगल वाला संख्या बचा हुआ है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, छः हुआ तो छः यहाँ पर लिख दिए। दो का पहाड़ा फिर पढ़िए, दो एकम दो, दो दूना चार, दो तिया छः, तीन मरतबे हमको छः आ जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे तीन और यहाँ लिखेंगे छः। ठीक है, ठीक है, और फिर छः में से छः घटाएंगे तो कितना होगा, जीरो फिर आएगा, फिर यहाँ पर हम काट देंगे। जब तक आपको यहाँ पर कटो ना आ जाए और यहाँ पर संख्या खत्म ना हो जाए, तब तक आपको भाग करते रहना है। संख्या यहाँ खत्म, आपका भाग यहीं पर खत्म हो जाता है। अब बस सवाल इतना बन गया, अब चलिए अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल आपका है कि 642 भागा तीन, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आपका सवाल जो दूसरा है 642 भागा तीन, तो इसको हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं 642 भागा तीन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 642 भागा तीन। ठीक है, तो हम इस फॉर्म में भाग बनाएंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तीन तीन से भाग बना रहे हैं, इसलिए हम तीन का पहाड़ा यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर तीन एकम तीन, तीन दूना छः, तीन तिया नौ, तीन चौका बारह, तीन पच्चीस पंद्रह, और तीन दहाई के तीस। पर पहले हम
एक संख्या में लगाएंगे भाग, जहाँ पर छः लिखा हुआ है ना, पहले छः में लगाएंगे भाग। तीन का पहारा इतना मरतबे पढ़ेंगे कि हमको छः आ जाए, अगर छः ना आए तो छः से थोड़ा सा कोई संख्या कम आए। तो तीन का पहारा यहाँ पढ़िए, तीन एकम तीन, तीन दूना छः, दो मरतबे पहारा पढ़ रहे तो हमको छः आ जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं दो और यहाँ लिखते हैं छः, और इसके बाद ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को घटा देंगे। तो घटाइए कितना होगा, जीरो आ जाएगा, छः में से छः घटेगा तो कितना आएगा, जीरो ना आएगा, जीरो आएगा, इसलिए हम यहाँ कटो का साइन लगा देंगे। ठीक है, और फिर जो बगल वाला संख्या है इसको हम यहाँ उतारेंगे, चार है तो चार उतारते हैं यहाँ पर। तीन का पहारा इतना मतलब पढ़िए कि चार आ जाए, अगर चार ना आए तो उससे जो कम संख्या होगा हम यहाँ पर लिखेंगे। तीन का पहारा पढ़िए, तीन एकम तीन, तीन दूना छः, तीन तियाई नौ, तीन चौका बारह, तीन पच्चीस पंद्रह, तीन छः अठारह, तीन सत्तर इक्कीस, तीन अट्ठे चौबीस, तीन नौ सत्ताईस, तीन ढाई तीस। तीन के पहारा में चार कहीं नहीं आ रहा है तो इसलिए हम तीन के पहारा में चार से जो थोड़ा सा छोटा होगा हम वही लिखेंगे यहाँ पर। तो तीन एकम तीन, तीन दूना छः, अगर दो मरतबे पढ़ रहे हैं तो छः चार से ज़्यादा आ रहा है, हमको चार से कम लेना है तो इसलिए तीन एकम तीन, एक मरतबे तीन ही लगाएंगे यहाँ पर। तो लगाइए एक मरतबे तीन, और इसको फिर से ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को घटा दीजिए। तो चार में से तीन घटेगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा, तो हम यहाँ पर एक लिख देते हैं। अब फिर जो संख्या यहाँ पर है बगल वाला उसको यहाँ उतार देंगे, दो है तो दो यहाँ उतार दीजिए। फिर से तीन का पहारा पढ़िए, और तीन का पहारा इतना मतलब पढ़िए कि बारह आ जाए, और ना बारह आए तो इससे थोड़ा सा कम जो छोटा संख्या है वो आए। तो तीन एकम तीन, तीन दूना छः, तीन तिया नौ, तीन चौका बारह, चार मरतबे हमको बारह आता है तो चार लिखेंगे यहाँ पर और बारह लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे बारह, और फिर इसको घटाएंगे ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या। तो घटाइए, दो में से दो घटेगा तो कटो, एक में से एक घटेगा तो कटो, मतलब कि हमारा यहाँ पूरा संख्या भी खत्म हो गया और यहाँ कटो भी आ गया, तो हमारा आंसर यहीं पर आ जाता है, इसके बाद बनाने की कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए तीसरा सवाल और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, सबसे बढ़िया सवाल, इसी सवाल में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसी सवाल में आप भाग बनाना सीख जाइएगा आसान तरीका से। तो चलिए इसको देखिए, सवाल आपका है 67/56, ठीक है, इसलिए हम 12 का पहारा भी यहाँ पर लिख दिए, यहीं से हम बनाएंगे। तो देखिए 67/56 लिखिए यहाँ पर, अब भाग कीजिए 12 से, ठीक है, 12 यहाँ पर लिख दीजिए। फिर से वही काम करना है, पहले एक संख्या में, तब दो संख्या में, तब तीन संख्या में, तब चार संख्या में, धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो 12 का पहारा इतना मरतबे पढ़िए कि 67 आ जाए, अगर 67 ना आए तो 67 से थोड़ा सा छोटा कोई संख्या हमको आ जाए, ठीक है, नज़दीकी संख्या। तो 12 का पहारा पढ़िए, 12 एकम 12, 12 दुना 24, 12 तेरह 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत 84, 12 अठे 96, 12 नवा 108, 12 दही के 120। 12 के पहारा में 67 कहीं भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 67 से कोई छोटा संख्या हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो देखिए 12 एकम 12, 12 दुना 24, 12 तेरह 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72। यहाँ पर देखिए 12 का पहारा अगर पढ़ रहे हैं पाँच मरतबे तो आ रहा है 60, आप पढ़ रहे हैं छः मरतबे तो 12 छक 72 आ रहा है, तो 72 67 से ज़्यादा हो रहा है और 60 जो है 67 से छोटा है, तो हमको 60 लेना पड़ेगा, 12 पंचे 60, ये 12 पंचे 60 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 60, ठीक है, और फिर से इसको यहाँ पर हम घटाएंगे ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या घटाएंगे। घटाइए, 7 में से घटेगा 0 तो 7 ही बचेगा, और 6 में से 6 घटेगा तो कट जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद बगल वाला जो संख्या है उसको यहाँ पर लिखेंगे 5 को। फिर 12 का पहारा पढ़िए, इतना मरतबे कि 75 आ जाए, 9 75 आए तो इससे हमें कोई छोटा संख्या आना चाहिए। 12 एकम 12, 12 दुना 24, 12 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 12 छः 72, 12 सत 84। 7 मरतबे पढ़ रहे हैं तो 84 आ रहा है, और 6 मरतबे पढ़ रहे हैं तो 72 आ रहा है, तो 72 जो है 75 से छोटा है और 84 जो है 75 से बड़ा है, इसलिए हम 12 छक 72, 6 मरतबे हम पढ़ेंगे 12 छक 72 यहाँ पर, और इसको यहाँ पर घटा देंगे। फिर से घटाइए, 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 3, और 7 में से 7 घटेगा तो कटो। फिर जो बगल वाला संख्या है 6, इसको यहाँ पर उतार दीजिए 6 को, और 12 का पहाड़ा पढ़िए 3 मरतबे, 12 एकम 12, 12 दुना 24, 12 तिया 36, 3 मरतबे 36 हमको आ जा रहा है,
तो यहाँ पर लिखेंगे 36 तीन मरतबे, और घटाइएगा इसको तो 6 में से 6 घटेगा तो कट्टो, और 3 में से 3 घटेगा तो कट्टो। आपका सवाल इतना ही बन गया।